फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पेटीएम फॉर बिजनेस में इंस्टेंट सेटलमेंट करके दिखाने वाला हूँ और पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि इंस्टेंट सेटलमेंट का ऑप्शन कैसे मिलता है, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग का इंस्टेंट सेटलमेंट का ऑप्शन जो है वो लॉक है गाइज, और मैं इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताऊँगा। तो गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, और कुछ भी क्वायरी होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, तो इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूं, और ओपन करने के बाद दिखाता हूं कि इंस्टेंट सेटलमेंट का ऑप्शन कब मिलता है और कैसे मिलता है, और इंस्टेंट सेटलमेंट करके दिखाने वाला हूं। तो देख सकते हैं गाइज यहां पर पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन ओपन कर ली है, अभी तक आज मैंने एक भी पेमेंट इसमें रिसीव नहीं किया हूँ। तो अभी अभी मैं इस अकाउंट में पेमेंट रिसीव करके और सेटल भी करके दिखाऊंगा अकाउंट में। तो देख सकते हैं अभी कोई भी पेमेंट इसमें नहीं हुआ है, और यहां पर सेटलमेंट का ऑप्शन पर जैसे ही जाते हैं तो यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है मिनिमम अमाउंट फॉर बैंक ट्रांसफर इज ₹10, एक्सेप्ट पेमेंट टुडे। तो यहां पर बैंक ट्रांसफ़र करने के लिए मिनिमम जो अमाउंट है वो ₹10 होना चाहिए। तो चलिए हम आप इसमें पेमेंट करके देखते हैं और सेटल करके देखते हैं कि कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले इस अकाउंट में हम पेमेंट रिसीव कर लेते हैं कोई दूसरे अकाउंट से। तो गाइज यहां पर आप देख सकते हैं मैं इस अकाउंट में पेमेंट रिसीव कर लिया हूं, देख सकते हैं अभी अभी मैंने रिसीव किया ₹61 का पेमेंट। अब देखिए मैं इसे हम बैंक अकाउंट में इंस्टेंट सेटल करके दिखाते हैं। तो देख सकते हैं गाइज अब इंस्टेंट सेटलमेंट, यहाँ पर सेटलमेंट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऊपर में आप सेटलमेंट का ऑप्शन आप देख रहे होंगे, सेटलमेंट के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर देख सकते हैं अब सेटल नाउ का ऑप्शन जो है वो ग्रीन हो चुका है। अब यहाँ पर सेटल नाउ पर हम क्लिक करेंगे, सेटल नाउ पर जैसे ही क्लिक करते हैं गाइज तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अलाउ करेंगे, अलाउ करने के बाद नीचे में प्रोसीड टू ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिख रहा है, प्रोसीड टू ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर कुछ ही समय में यहाँ पर जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाता है, जो कि आप देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है और सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इंस्टेंट सेटलमेंट ले सकते हैं अपने पेटीएम बिजनेस अकाउंट में। तो गाइज इंस्टेंट सेटलमेंट का ऑप्शन कैसे मिलता है, इंस्टेंट सेटलमेंट का ऑप्शन जब आप खुद से पेटीएम फॉर मर्चेंट अकाउंट में आप रजिस्टर करते हैं तो आपको सेटल नाउ का ऑप्शन जो है वो लॉक रहता है, आपको दिन में 2 बार ही सेटल होगा, आप जब मर्जी तब नहीं सेटल कर सकते हैं। तो गाइज जैसे आप जो अकाउंट है वो कोई एजेंट से बनाते हैं, एजेंट से बनवाते हैं अपना पेटीएम मर्चेंट अकाउंट, तो आपका इंस्टेंट सेटलमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।